सिल्वर में आ चुकी है, बहुत ही शानदार तेजी, 4.17% बढ़कर काम कर रहा है सिल्वर, 70,737 का भाव चल रहा है सिल्वर का। और वहीं गोल्ड देखें तो गोल्ड में भी अच्छी तेजी आई है, 1% चढ़ चुका है, ये 50,858 के भाव पे काम कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो क्रूड में एक बहुत ही तेज मंदी आई है, 2.5% की गिरावट आई है, 35.25 के रेट पे काम कर रहा है क्रूड ऑयल का फ्यूचर। तो क्या ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है? क्या यहाँ से इसकी तेजी कंटिन्यू हो सकती है सिल्वर और गोल्ड की, और क्या मंदी इसमें आ सकती है क्रूड ऑयल में, जानते हैं चार्ट के द्वारा। यह है सिल्वर फ्यूचर का डेली चार्ट और यहाँ पे देख सकते हैं 5600 के पास में इसे काफी अच्छा सपोर्ट मिला है और वहां से ही इसने बाउंस करना शुरू किया है। पहले सिल्वर में देख लेते हैं, पहले भी सिल्वर में बहुत ही अच्छी तेजी आई थी, जिस समय कोरोना की बीमारी आई थी उस समय सिल्वर 36,000 के लेवल पे काम कर रहा था और लगभग डबल से भी ज्यादा बढ़ चुका था सिल्वर कुछ ही दिनों पे, और ये बढ़त लगभग 6 महीने में आई थी। उसके बाद में ये एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा था सिल्वर में, और अभी ये जो तेजी आई है, ये तेजी अगर कंटिन्यू होती है तो सिल्वर अपने रिसेंट हाई को क्रॉस करते हुए अपनी ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। तो ये वाली जो चाल आई है आज की, उसे हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। इसमें वॉल्यूम बिल्डअप भी बहुत ही अच्छा देखा गया है, हालांकि इंडिया के जो वॉल्यूम है वो मायने नहीं रखते हैं, फॉरेन मार्केट के जो वॉल्यूम होते हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। यहाँ RSI भी बहुत ही फेवरेबल है और ये ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर इसमें ये तेजी कंटिन्यू रहती है तो ये 80,000 के लेवल के आसपास आसानी से पहुंच सकता है। ये है गोल्ड का इंडिया का डेली चार्ट और इसमें भी देख सकते हैं काफी अच्छी तेजी पहले आई थी और ये चल रहा था कंसोलिडेशन फेज, और गोल्ड ने टच किया है 200 का DMA का लेवल। ये 200 की DMA की इंडिकेटर है, इसे जस्ट टच करके आप देख सकते हैं, एक बार इसने यहाँ टच किया और दूसरी बार फिर से इसने टच किया है, उसके बाद में इसमें काफी अच्छी मूव आई है। ये मूव अभी कंटिन्यू हो सकती है। जो लेवल्स हमें ध्यान रखने हैं वो गोल्ड के 52,000 के लेवल हैं, 52,000 के ऊपर अगर गोल्ड जाके सस्टेन करता है तो गोल्ड में भी बहुत ही अच्छी तेजी आ सकती है आने वाले दिनों में, और ये अपने रिसेंट हाई को भी क्रॉस कर सकता है। तो गोल्ड को भी हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। गोल्ड में हालांकि सिल्वर के मुकाबले उतनी अच्छी तेजी नहीं है, लेकिन अगर ये लेवल क्रॉस कर जाता है 52,000 का, उसके बाद में इसमें बहुत ही अच्छी तेजी आ सकती है। यह है WTI क्रूड ऑयल का चार्ट और डेली चार्ट है ये भी, और इसमें देख सकते हैं काफी अच्छी एक बढ़त आई थी अभी हाल फिलहाल के दिनों में, जब गोल्ड और सिल्वर नीचे जा रहे थे तो ये अपनी ऊपर की यात्रा शुरू कर रहा था। अभी ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट आ चुका है और यहाँ से इसने टर्न लिया है, 2.5% लगभग नीचे आ चुका है क्रूड ऑयल फ्यूचर, $37 के पास में काम कर रहा है। क्या यहां से और मंदी आनी चाहिए या यहां से ये टर्न कर सकता है और फिर से अपनी ऊपर की यात्रा कंटिन्यू कर सकता है? जो लेवल आप लोगों को, जो सपोर्ट लेवल आप लोगों को ध्यान रखना है वो 44 का लेवल है, 44 के आसपास क्रूड ऑयल आने के बाद में फिर से एक बाउंस मार सकता है, और इसके नीचे अगर ये ब्रेक होता है और 40 के नीचे सस्टेन कर जाता है तो इसमें वीकनेस बहुत ज्यादा आ सकती है। इसे एक इंटरमीडिएट रनअप का करेक्शन भी कह सकते हैं या इसे माइल्ड करेक्शन भी कह सकते हैं। जब तक ये लेवल 40 के नीचे आके सस्टेन नहीं करता है, इस लेवल के नीचे आके सस्टेन नहीं करता है, तब तक इसमें बुलिश व्यू ही रहना चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।